The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. मैं हूँ डॉक्टर परमजीत. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. तो दोस्तों, अब मौसम थोड़ा सा बेटर होने लगा है. लोग ट्रैकिंग पे जाना शुरू करेंगे. लेकिन अब याद रखिए, डेंगू का भी सीजन आ जाता है. अगर आप आउटडोर जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, फॉरेस्ट या वादियों में जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो मॉस्किटो बाइट से बचना और अपने आप को और अपने बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है. तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताएंगे जो आपको शायद नहीं पता. यह ना हो कि आप उठा के बच्चों के ऊपर स्प्रे मार रहे हैं, आँखों में जलन हो रही है, फिर ये क्या हो गया डॉक्टर साहब, हमने तो स्प्रे मारा था आँख में, क्या करें, पहाड़ों में आपको डॉक्टर भी नहीं मिलने वाला या आप जंगलों में. सो थोड़ा देख लीजिए. पहले तो देखो, मॉस्किटोज़ या मच्छर कई बड़ी डेंजरस बीमारियां, चिकनगुनिया, डेंगी वायरस, जीका, मलेरिया, इनसी बीमारियों को फैलाते हैं. तो ऐसे कोई भी एरिया जहां पर आप जा रहे हो, पता कर लो कहीं कोई वायरस फैला हुआ तो नहीं है, है ना. डेंगी वेंगी तो नहीं फैला हुआ, पहले तो वो पता कर लो, है थोड़ा सा इंटरनेट सर्च से आपको आजकल पता चल जाएगा. सेकेंड, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, तो बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें लेके जाना और कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली देखना, उसके लेबल पढ़ना, राइट. इंसेक्ट रिपेलेंट लेके जाना ज़रूरी है और इंसेक्ट रिपेलेंट को हर कुछ घंटों में अप्लाई करना ज़रूरी है. लेकिन क्लोथिंग, कपड़ों के नीचे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं तो पहले सनस्क्रीन लगानी है, फिर इंसेक्ट रिपेलेंट लगाना है यहाँ पर. उसके बाद में आपकी क्लोथिंग जो आप लेके जा रहे हो, या पैंट्स या बूट्स या सॉक्स या ऐसी कोई चीज़ लेके जा रहे हो, तो अगर वो परमिथिन ट्रीटेड क्लोथिंग हो या गेयर हो तो बहुत बढ़िया. परमिथिन जो है ये एक इंसेक्टिसाइड है जिससे कि मॉस्किटो मरते भी हैं और रिपेल भी होते हैं. परमिथिन से ट्रीटेड क्लोथिंग अपने आप में आपको मिलती है मार्केट में, या आप उसको यूज़ कर सकते हैं. मल्टीपल टाइम वॉश करने के बाद भी वो प्रोटेक्ट करता है. इसके लिए आपको लेबल पढ़ना पड़ेगा और कितने बार यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप खुद से अपने कपड़ों को परमिथिन से ट्रीट करना चाहेंगे तो उसका एक अलग प्रोसेस है, वो आपको उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ेंगे. खुद से नहीं यूज़ करना, और परमिथिन को अपने स्किन के ऊपर डायरेक्टली नहीं यूज़ करना चाहिए, पहले ध्यान में रखें. मॉस्किटोज़ को अगर आप किसी होटल में रहते हो, किसी कमरे में रहते हो, तो उस होटल का कमरा अगर एयर कंडीशनिंग हो तो सबसे अच्छा, अगर नहीं तो उसकी विंडोज़ और डोर्स पर स्क्रीन, मच्छरदानी होनी चाहिए. अगर नहीं तो आपके बेड के आसपास कम से कम मच्छरदानी होनी चाहिए, मच्छरदानी के अंदर सोइए. अगर नहीं तो मच्छर सुबह के टाइम और रात के टाइम दोनों टाइम काट सकते हैं. याद रखिए, डेंगू के मच्छर होते हैं जो डस्क और डॉन पे काटते हैं, तो ऐसा नहीं कि बाकी टाइम पे काट ही नहीं सकते. सो मच्छरदानी खुद से ले लो ज़्यादा बेहतर है. अगर नहीं, आपको डाउट है वहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की खुद ले लो. मच्छरदानी सिलेक्ट कर लेना अच्छा रहता है. और उसमें भी रिकमेंडेशंस हैं कि भाई वाइट कलर की हो, रेक्टेंगुलर हो, और उसमें 156 होल्स हो पर स्क्वायर इंच, है ना, ताकि वो ऐसा ऐसा हो जाएगा कि वो सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिल तो जाएगी. परमिथ्रिन ट्रीटेड मॉस्किटो नेट्स भी अवेलेबल होते हैं जो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देंगे, अगर आप ऐसे कोई बहुत ज़्यादा खूंखार जंगलों में जा रहे हैं या वैसे भी लेना चाहें तो. इन एनी वेज आपको लेबल ज़रूर पढ़ना है. प्रिकॉशंस, बच्चे, छोटे बच्चे अगर हैं तो बच्चों को पूरे फुल स्लीव कपड़े, इवन गर्मी में सिंपल ढीले ढीले कपड़े पहना दीजिए, पतले कपड़े पहना, फुल स्लीव पहना दीजिए, ज़्यादा बेहतर. फुल स्लीव पहनाइए, पूरे लेग्स और आर्म्स कवर करिए, और स्ट्रोलर के ऊपर पूरा मॉस्किटो नेट आ जाए ये ध्यान में रखें, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे बच्चे जो हैं उनको बहुत ज़रूरी है. और ऐसा नहीं कि बच्चों के ऊपर ऐसे ऐसे स्प्रे मार दिया, आँखों में घुस गया, याद रखिएगा वो नहीं करना है. और ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं जिनके अंदर लेबल अच्छे से पढ़ लेना है. अगर बच्चा आपका तीन साल से छोटा है तो उसके ऊपर ऑयल ऑफ लेमन यूकेलिप्टस जो नेचुरल है, लेकिन उसको नहीं यूज़ करें. तीन साल से छोटा, पैरा मिथेन डियोल PMD को भी 3 साल से नीचे नहीं यूज़ करें. 3 साल से ऊपर का बच्चा यूज़ कर सकते हैं. और इंसेक्ट रिपेलेंट बच्चे के आँखों पे, बच्चे के यहाँ हाथ पे, बच्चे के माउथ पे या कट्स पे या इरिटेटेड स्किन पे नहीं यूज़. यहाँ लगाओगे सीधा आँख में घुस जाएगा, है ना, वो तो लगा लेते हैं यहाँ, है ना. सो बच्चों के इन जगहों पे नहीं लगाना है, ठीक है. बहुत कॉमन है बच्चे के हाथ में लगा दिया और बच्चा हाथ ऊपर कहीं पे लगा लेता है. और अगर आप लगा रहे हो स्प्रे, तो स्प्रे डायरेक्ट बच्चे के ऊपर नहीं मारें, आप अपने हाथ पे स्प्रे मारें और हाथ से बच्चे के आप फेस पे लगा सकते हैं जहाँ आपको लगाना है बस, ठीक है. सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, नज़रअंदाज मत करना वरना ऐसे मच्छर काटेगा और बीमारी लेकर आएगा. तो मच्छर से बचें और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाएं. थैंक यू सो मच. घूमने जाएं और हमें भी बुला लें. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड.